morning students. Hopefully you all are well. Here is another lecture of GK for you. We are meeting after a gap of about 1 month due to your half yearly exams. And now today children, we will be studying about art and painting of India. Art and painting of India. इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या समझते हैं? भारत के विभिन्न भागों में, तुम्हें पता है इंडिया इज रिच इन इट्स कल्चरल हेरिटेज, और अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की कलाएं विकसित हुई। जैसे अगर तुम एक अगर मेले में भी चले जाओ तो तुम्हें वहाँ डिफरेंट स्टेट्स की चीजें देखने को मिलती है, जैसे टाई एंड डाई राजस्थान का जो कि फेमस वर्क है, इसके अलावा पार्टिक प्रिंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कलमकारी, मधुबनी पेंटिंग्स, फुलकारी वर्क तो कढ़ाई में आ जाता है, एम्ब्रॉयडरी में आ जाता है, बट पेंटिंग्स में अलग अलग जगह के अलग अलग पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हमें कुछ डिफरेंट स्टेट्स के बारे में हमें इस लेसन में पता चलेगा। और फर्स्ट वाला है, रीड द क्लूज एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेंटिंग यूजिंग द हेल्प बॉक्स। नाउ इन द हेल्प बॉक्स सिक्स टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स आर गिवन। फर्स्ट इज पत्तचित्र, हड़, मधुबनी, वर्ली, तंजोर, पिछवाई। फर्स्ट वाला मैं पढ़ रही हूँ। दिस पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मिथिला आर्ट। अब इस पेंटिंग को मिथिला आर्ट भी कहते हैं, तो मैं इन क्लूज के बेसिस पे उस पेंटिंग का नाम बताना है। इट इज कैरेक्टराइज बाय फाइन लाइन ड्राइंग्स मीन्स पतली लाइन से ड्राइंग की जाती है, फिल्ड विथ ब्राइट अर्थी कलर्स। और ये ड्राइंग करने के बाद इसको अर्थी कलर्स, मतलब जो अर्थ से रिलेटेड कलर्स हैं, जैसे सॉइल का कलर, ग्रे कलर, मडी कलर, व्हीटिश कलर, इस तरह के कलर से उसको फिल किया जाता है। द पेंटिंग्स डिस्प्लेइंग ट्राइबल मोटिव्स आर डन ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड और मड वॉल्स। और ये जो पेंटिंग है इसमें ट्राइबल मोटिव्स, ट्राइबल पिक्चर्स डिस्प्ले किए जाते हैं। ट्राइबल्स का मतलब जो वहाँ के जनजातीय आदिवासी लोग हैं उनके पिक्चर्स डिपेक्ट करते हैं, और इसको ये लोग, यहाँ के लोग मेनली प्लास्टर्ड या मड वॉल्स में बनाते हैं। और इस पेंटिंग का नाम है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग ये डिपिक्ट करता है ट्राइबल पीपल के डिफरेंट लाइफ के इवेंट्स को, लाइक देयर बर्थ, देयर मैरिज सेरेमनीज, डिफरेंट साइकिल्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट फेस्टिवल्स, एंड फॉर दिस दे यूज द पेंटिंग इज डन विद टूल्स लाइक फिंगर्स, निब पेंस, ट्विग्स। ट्विग्स का मतलब सूखे पेड़ की शाखाएं, ब्रशेस एंड मैचस्टिक्स। दीज आर यूज्ड एंड दे यूज नेचुरल कलर्स, नेचुरल डाई एंड पिगमेंट्स टू कलर द पेंटिंग। नाउ द सेकेंड वन, दिस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म इवॉल्व ड्यूरिंग द रीन ऑफ द चोलास। ये जो सेकेंड पेंटिंग है ये चोलास के शासनकाल में इसका डेवलपमेंट हुआ, इसका विकास हुआ। द लिबरल यूज ऑफ गोल्ड लीफ एंड प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ दिस आर्ट। अब इस पेंटिंग का, इस आर्ट का मेन फीचर क्या बताया है? यूज ऑफ गोल्ड लीफ एंड प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। एंड द
painting is known as Tanjore painting. Now, Tanjore painting, it is a classical South Indian painting. It is a South Indian painting style from Tanjore. And 22 carat gold foils are used in this painting. And because gold is used, these kind of painting, they never fade. Unka rang fika nahi padta. And these paintings are, they have got areas elevated from the surface. Matlab, ये उभरे हुए पेंटिंग्स होते हैं, जिस जगह पे ये बनाए जाते हैं, जिस मीडियम पे बनाए जाते हैं, उसके ऊपर ये ऊपर से ये ऐसा लगता है उभरे हुए पेंटिंग्स हैं. एंड दिस इज अ साउथ इंडियन क्लासिकल पेंटिंग इन विच गोल्ड एंड प्रेशियस जेमस्टोन्स आर यूज्ड. दिस इज तंजोर पेंटिंग. नाउ द थर्ड वन, दिस इज अ स्टाइल ऑफ रिलीजियस crawl painting that is practiced in the state of Rajasthan. अब जिस painting की बात की गई है, ये Rajasthan state से है उनका. और ये religious painting है, in which paintings of god and goddesses are depicted. This is traditionally done using a long piece of cloth or canvas. ये जो राजस्थान का पेंटिंग है, इसको क्लॉथ में या कैनवस में बनाया जाता है. द स्टोरीज ऑफ द फोक डेटीज लाइक पबजी एंड देव नारायण आर पोर्ट्रेट ऑन द स्क्रॉल्स. ये कैसी पेंटिंग्स होती हैं? कोई स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस दे आर डिपिक्टेड लाइक पबजी एंड देव नारायण. और इसको राजस्थान का फेमस फड़ पेंटिंग कहते हैं. फड़ पेंटिंग इज फ्रॉम राजस्थान, इन विच स्टोरीज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस आर डिपिक्टेड एंड दे आर पोर्ट्रेड ऑन स्क्रॉल्स. स्क्रॉल्स मीन्स एक के बाद एक उनके लाइफ के जो इवेंट्स हैं, गॉड गॉडेसेस को उसको एक एक करके डिपिक्ट करते चले जाते हैं. आप एक एक करके सीन्स देखेंगे, एक पेंटिंग देखेंगे तो उनके लाइफ का पोर्ट्रेट होता है. नेक्स्ट वन, फोर्थ, महाराष्ट्र इज द होम ऑफ दिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग. अब जिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग की बात की जा रही है वो कहाँ से है? वो महाराष्ट्र से है. विच इज नेम्ड आफ्टर द लार्जेस्ट ट्राइब लिविंग ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई. और ये जो पेंटिंग बनती है, इट इज द इन दिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग विच इज नेम्ड आफ्टर द लार्जेस्ट ट्राइब, मतलब जो सबसे बड़ा यहाँ का आदिवासी ट्राइब्स जो रहते थे इन नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, वहाँ के लाइफ को शो करता है. द पेंटिंग्स आर डन बेस्ड ऑन अ मड आर्ट यूजिंग मेनली वाइट कलर एंड ओकेजनल डॉट्स ऑफ रेड एंड येलो कलर. इस पेंटिंग में वाइट कलर का ज़्यादा यूज होता है और रेड एंड येलो कलर के डॉट्स का यूज होता है. दिस इज वर्ली पेंटिंग और ये महाराष्ट्र का है. इट इज मोस्ट फेमस फॉर डिपिक्शन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब लिविंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मुंबई and mainly from the north Sahyadri range in Maharashtra. Next one, fifth style of painting which we are going to read now is, this style of painting is one of the oldest and the most popular art forms of Odisha. ये Odisha का बहुत popular form of painting है और काफ़ी पुराना है. It gets its name from the Sanskrit word for canvas and picture. इसका नाम जो उड़ीसा में रखा गया है, ये संस्कृत वर्ड फॉर कैनवस एंड पिक्चर उससे लिया गया है.
The painters use natural ingredients to make these paintings. और जो painter होता है उसमें वो भी natural ingredients को natural colors को वो use करता है paintings. The name of this kind of painting is patta chitra. The word patta means cloth. Patta word का मतलब है cloth. And the origin of patta chitra can be seen as early as 12th century. And this painting mainly developed in Raghurajpur village in Puri. Puri में एक विलेज है, इसका नाम है रघुराजपुर. वहाँ पे पत्ता चित्र बनाया जाता है. वहाँ का फेमस पेंटिंग है, वहाँ का फेमस आर्ट है. और पत्ता वर्ड का मीनिंग मैंने तुम्हें अभी बताया कि इट मीन्स क्लॉथ. क्लॉथ के ऊपर चित्र बनाने को पत्ता चित्र कहते हैं. और इसमें भी इन्होंने बताया है दे यूज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल डाइज, नेचुरल कलर्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट, दीज वर्क्स ऑफ आर्ट आर यूज टू डेकोरेट टेम्पल वॉल्स. अब जिस आर्ट की बात की जा रही है उसको टेम्पल वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए ये पेंटिंग्स बनाई जाती है. मेनली बिहाइंड द आइडल, मतलब मूर्ति के पीछे जो दीवार है वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती है. समटाइम्स रिच एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक वर्क इज ऑल्सो यूज ऑन दीज पेंटिंग्स. और इन पेंटिंग्स में कभी कभी एम्ब्रॉयडरी भी की जाती है. एम्ब्रॉयडरी मतलब सुई धागे से भी उसमें डिजाइन बनाए जाते हैं. या एप्लिक वर्क, एप्लिक वर्क होता है बेस के ऊपर कोई दूसरा कपड़ा लगा करके उसको स्टिच लगा कर स्टिच करके पैचेस बना करके उसका आर्ट, वो भी इस पेंट में पेंटिंग में इस आर्ट में यूज होता है. एम्ब्रॉयडरी एंड एप्लिक वर्क. And this kind of painting is known as pichwai painting. इसको pichwai painting कहते हैं. And these are painted pictures on cloth which portrays Krishna. Originally over 400 years ago in the town of Nathdwar near Udaipur in Rajasthan this kind of painting developed. राजस्थान में नाथद्वार में इस तरह के पेंटिंग्स का ओरिजिनल डेवलपमेंट हुआ. बाद में तो जैसे कोई भी आर्ट डेवलप होती है उसके बाद उस चीज़ को सीख के लोग दूसरी जगह के लोग भी बनाने लगते हैं, लेकिन ओरिजिनली पिछवाई पेंटिंग का विकास, उसका डेवलपमेंट नाथद्वार इन उदयपुर, नियर उदयपुर इन राजस्थान दिस पेंटिंग वॉज डेवलप्ड. Hopefully you have got enough knowledge about these six kind of paintings. Now we come to the footnote. Kalam or kalame zuthu. Zuthu is a unique form of making rangoli in the state of Kerala. Ab Kerala mein ek unique style of making rangoli ke bare mein bataya gaya hai. जिसको कलम या कलमे जुथू कहते हैं. डिपिक्टिंग डेटीज लाइक काली एंड अयप्पा. और ये जो रंगोली है इसमें काली देवी माँ का या अयप्पा, अयप्पा कौन है, दिस इज सन ऑफ विष्णु एंड लॉर्ड शिव. कहा ये जाता है कि शिव और मोहिनी जो कि विष्णु का ही एक रूप मानते हैं, उनका बेटा, उसको साउथ में इनकी पूजा बहुत होती है, इनको विष्णु भगवान का पुत्र कहा जाता है अयप्पा. ये इस रंगोली में, इन रंगोलियों में उनका चित्र बनाया जाता है काली जी का और अयप्पा का. अयप्पा इज सन ऑफ विष्णु एंड लॉर्ड शिव. इट इज क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स एंड पाउडर्स जनरली इन 5 कलर्स. अब इसमें भी नेचुरल पिगमेंट्स का, नेचुरल कलर्स का यूज करते हैं और स्पेशली 5 कलर्स होते हैं, रेड, येलो, वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक.
black. And these are drawn on floor. ये रंगोली है, इसको फ्लोर में बनाया जाता है. जैसे हमारे यहाँ पे भी आपने देखा होगा रंगोली फ्लोर पे दिवाली के समय बनाई जाती है, या किसी फेस्टिव ओकेजन पे हम घर के दरवाजे में बाहर बना लेते हैं फ्लोर पे. वैसे ही ये रंगोली भी कलम रंगोली, इसको भी फ्लोर पे ही बनाया जाता है. और इसमें मैंने बताया काली और अयप्पा, ये गॉडेस, इन गॉडेस के मोटिव्स, इनके इमेजेस बनाए जाते हैं. नाउ चिल्ड्रन वी मूव ऑन टू लेसन नंबर 33, टेम्पल्स ऑफ इंडिया. Children, in this lesson we will see the different temples, famous temples located in India. Now, the first question which is given in your book is, identify the pictures with the help of the clues in the help box. In the help box, some names of temples are given. Shiv temple, Dilwara temples, Jagannath temple, Hoysaleshwar temple, temple, Vridheshwar temple and Somnath temple. First one, these temples in Rajasthan enshrine various Jain Tirthankaras. अब ये राजस्थान के तीर्थंकर्स, जैन तीर्थंकर्स से रिलेटेड है. And you must be knowing that Dilwara temples are located in Rajasthan. These are a group of Shvetambar Jain temples located about 2.5 kilometers from Mount Abu. Next one, located at Mahabalipuram, this temple overlooks the Bay of Bengal. Now children, Mahabalipuram, this is on the Coromandel coast of Tamil Nadu. Mahabalipuram एक जगह है जो कि तमिल नाडु के कोरोमंडल कोस्ट में स्थित है. एंड ये जो टेम्पल है कोरोमंडल कोस्ट में, जो ये महाबलीपुरम में ये टेम्पल है, ऐसा लगता है ये बे ऑफ बंगाल को देख रहा है. इट ओवरलुक्स द शोर, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज शिव टेम्पल. And this temple is dedicated to Shiv and Vishnu. There are two shrines, दो मंदिर है यहाँ पे शिव और विष्णु का. And they are built of cut stones. Now the next one, third one. This temple in Halebid is an example of Hoysala architecture. ये जो हेलेबिड है ये एक जगह का नाम है कर्नाटक में. और ये यहाँ पे ये जो टेम्पल बना है ये होयसाला आर्किटेक्चर का प्रतीक है, एग्जाम्पल है. नाउ नेम ऑफ दिस टेम्पल इज होयसलेश्वर टेम्पल. नाउ इट इज अ 12th सेंचुरी बिल्ट टेम्पल, हिंदू टेम्पल. And this temple is again dedicated to Lord Shiv. Karnataka में एक town है जिसका नाम है हेलीबिडु. और इस town में ये जो temple बना है, this temple is dedicated to Lord Shiv. Next one. The deities of this temple at Puri are generally known as the Trimurti. Trimurti, Trimurti, as well as Chaturthamurti. Now, Puri mein jo sabse famous temple hai, that is Jagannath temple. So, our answer is Jagannath temple. And Jagannath
टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स रथ यात्रा, तुम्हें पता होगा कृष्ण, उनके बड़े भाई बालभद्र और सुभद्रा, दे लीव द टेम्पल एंड गो टू देयर मामाज हाउस एंड दिस जर्नी दिस ट्रैवलिंग इज कॉल्ड रथ यात्रा बिकॉज दे ट्रैवल इन अ रथ इन अ चैरिट. Vishnu is worshipped along with his elder brother Balbhadra and their sister Subhadra. Now Jagannath is a form of Vishnu. It's this temple, Jagannath temple, which is in Puri, is in Orissa. Fifth one, located in Gujarat, this temple was plundered by Mahmud of Ghazni. गुजरात का ये फेमस टेम्पल जिसको महमूद ऑफ गजनी ने 17 टाइम्स इसको डिस्ट्रॉय किया, इसको लूट के ले गए. दिस टेम्पल इज सोमनाथ टेम्पल एंड श्री सोमनाथ इज द फर्स्ट अमंग द 12 आदि ज्योतिर्लिंग ऑफ शिव. सोमनाथ टेम्पल को आदि ज्योतिर्लिंग मीन्स 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें सबसे पहला काउंट किया जाता है. नाउ द सिक्स्थ वन, दिस टेम्पल सिचुएटेड इन तंजावुर वॉज बिल्ट बाय राजा राजा चोला. अब ये टेम्पल जिसका पिक्चर तुम्हें दिखाया गया है वो राजा राजा चोला द्वारा बनवाया गया है एंड दिस इज इन तंजावुर. Tanjavur is in Tamil Nadu. This temple is Brindeshwar temple. And this temple, Brindeshwar temple, is dedicated to Lord Shiv. And all of you know that Tamil Nadu is in south of India. Brindeshwar temple is located in south bank of Kaveri River in Tanjavur. Now we come to the footnote. Gopurams are the huge gateways to the temples of South India. South India mein temples mein andar jaane se pehle jo gates bane hue hain usko Gopuram kehte hain. They have intricate carvings and multiple stories. Sometimes they overshadow the main temple. Isme bahut गहन नक्काशी की होती है, कार्विंग्स की होती है और मल्टीपल स्टोरीज भी होती हैं. और मतलब वो मेन टेम्पल्स को भी कभी कभी ऐसा लगता है उससे सुंदर तो उनके गेट्स हैं, उनके गोपुराम्स जो उनके गेटवेज हैं, दे आर मोर प्रोमिनेंट देन द मेन टेम्पल. दैट्स ऑल चिल्ड्रन फॉर टुडेज लेक्चर. यू विल डू द वर्क एंड सेंड. थैंक यू चिल्ड्रन.